नए सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था। इसके बाद रविवार सुबह उन्हें साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि मुझे थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। जनरल मनोज पांडे ने आगे कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने भारत की सुरक्षा को बनाए रखने में बखूबी काम किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं अनेक दो सेना प्रमुखों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, सहयोग और संयुक्त कौशल की अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम तीनों मिलकर काम करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। You know, as you are aware and like you mentioned, all three of us have trained together during our formative years. Not only that, later as we grew in respective service, we've had occasions to work together. And we are fortunate once again to have got this opportunity or chance to work together now at the helm of each of the respective service. I have known the other two service chiefs very well. And I think it is a good beginning and good indication of synergy and cooperation and jointmanship among the three services. And I want to assure you that all three of us will work together and take things forward in the cause of national security and defense. Guard of Honor ki khas baat ye rahi ki isme Vayu Sena aur Nau Sena pramukh dono shamil rahe. Isse pehle Manoj Pandey ne War of Memorial jaakar shaheed jawanon ko bhi shradhanjali di. जनरल मनोज पांडे नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। वो 29वें सेना प्रमुख बने हैं। वर्तमान जनरल एमएम नरवणे शनिवार को रिटायर हो गए हैं। जनरल पांडे 1.3 मिलियन मजबूत बल का नेतृत्व करने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। जनरल पांडे ने 1 फरवरी को सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। 3 महीने बाद ही सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के लिए कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।